Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke TP Nagar ki Chandralok colony mein rasoi mein khana banane ke duran cylinder mein aag lag gayi. Kuch der baad hi gas cylinder dhamake ke saath phat gaya. Cylinder ki chapet mein aakar bacche, yuvti sahit 5 log ghayal ho gaye, jinhe niji aspatal mein bharti karaya gaya. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। मेरठ के टीपी नगर की चंद्रलोक कॉलोनी में रमेश अपने परिवार के साथ रह रहा था। परिवार की महिला घर में खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस लीक होने के चलते सिलेंडर में आग लग गई। जैसे ही महिला और अन्य लोग आग बुझाने के लिए दौड़े, तभी अचानक सिलेंडर फट गया। गनीमत रही कि रसोई की छत नहीं उड़ी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सिलेंडर से निकली आग की चपेट में आकर बच्चों, युवती सहित 5 लोग झुलस गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने झुलसे हुए लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अग्निशमन की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। ये सूचना इन्होंने यहाँ पर तो सिलेंडर की आग लगी है तो सूचना उनको अधिकारियों द्वारा मिली है और इन्होंने कहीं किसी भी अग्निशमन विभाग के किसी भी फायर स्टेशन को सूचना नहीं दी आग लगने की। इनके द्वारा बताया गया है, बाद में जब अधिकारियों द्वारा सूचना दी तो मौके पर आकर मेरे द्वारा देखा गया। इनके द्वारा बताया गया कि सिलेंडर के खाना बनाते समय लीकेज होने से आग लग गई थी। इनके यहाँ एक लड़की की शादी थी, थोड़ा उसके पैर में भी हल्की झुलस लगी है, वो घर पर ही है। 2 बच्चे भी झुलसे हैं जो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और KMC अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सिलेंडर में काफ़ी कम मात्रा में गैस बची थी, वो बिना बुझाए ही वो फिर अपने आप ही बुझ गया। ये बच्चे को लेकर हॉस्पिटल भाग गए। खुले स्थान पर सिलेंडर रखा हुआ था, उससे कोई विस्फोट वगैरह और इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। बस इनके द्वारा किसी भी अग्निशमन केंद्र को सूचना नहीं दी गई। उच्च अधिकारियों द्वारा जब हमको सूचना दी गई तो तुरंत मौके पर आकर हमने इसकी जाँच की और जो विवरण है वो आपको बताया। तो सर, आग लगने में क्या क्या कमी रही, क्या मामला रहा पूरा? वो एक तो गर्मी तो है ही है, वो सिलेंडर से जो कि चूल्हा जल रहा होगा और उसमें सिलेंडर में लीकेज हुई होगी और लीकेज से वो चूल्हे की लो से ही उसकी फ्लेम से उसमें आग लगी होगी या उसका पाइप वगैरह लीकेज रहा होगा। जो भी कंडीशन है, फिलहाल वर्तमान में यहाँ मौके पर वो सिलेंडर नहीं है मौजूद, लेकिन सिलेंडर लीकेज में आमतौर पर ऐसा ही होता है कि चूल्हा जो है नीचे रख के आमतौर पर जो गरीब लोग हैं बेचारे, नई रैंप वगैरह होती है, चूल्हा हमेशा सिलेंडर से ऊपर रख कर खाना बनाना चाहिए। संभवतः चूल्हा नीचे रख कर खाना बना रहे थे तो चूंकि LPG भारी होती है तो वायुमंडल से नीचे फैलती है तो जो लीकेज हुई होगी वो चूल्हे की तरफ गई होगी, उससे उस पर आग लगी। तो ये क्या वजह रही जो सूचना नहीं दी गई इनके द्वारा? ये कह रहे हैं कि हम तो बस क्योंकि बच्चों को देख करके हम घबरा गए, आग तो बुझी गई थी तो आग तो बुझाने की आवश्यकता नहीं थी, जो कम गैस थी तो सिलेंडर बुझ गया था और ये अपने बच्चों को लेके इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके चले गए थे और ऐसा कोई विशेष कारण इनके द्वारा नहीं हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।